hello students i hope you all are well and doing well today we will see the next part of pronoun before this i have explained you about personal pronouns and do relative pronouns today we will see interrogative pronoun interrogative it means prashnavachak as we know, when we ask a question, that is called question, interrogative sentence. So, which words we use as interrogative pronoun? Let's see. We use words what, who, which, whom, whose to ask questions. हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं वॉट मीन्स क्या हु मीन्स कौन विच मीन्स कौन सा या कौन सी हुम यानी कौन हुज हु जिसका या जिसकी या किसका सॉरी किसका एंड वी यूज दीज वर्ड्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो एज आई एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वीडियो हमने इन्हीं वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज किया था बट देयर आर दीज वर्ड्स यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस बट हेयर वी यूज दीज वर्ड्स टू आस्क अ क्वेश्चन वहां हमने इन वर्ड्स को दो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया था बट यहां हम एक क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज करते हैं सो दीज वर्ड्स आर यूज एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वैन वी आस्क अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन दे आर यूज एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइल कौन सी है क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल वट इज द नेम ऑफ द पॉम की जो पॉम है जो कविता है उसका नेम क्या है अगेन वी आर

वट इज योर एम्बिशंस तुम्हारी क्या आकांक्षाएं हैं हु इज एबसेंट टूडे आज कौन एबसेंट है वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक दैट इज अ थिंग फॉर थिंग्स वी यूज विच की सबसे इंटरेस्टिंग बुक कौन सी है वट इज द लेटेस्ट न्यूज अगेन वी आर आस्किंग अबाउट ए क्वेश्चन अबाउट द लेटेस्ट न्यूज वट कि लेटेस्ट न्यूज क्या है वेन इज ही गोइंग टू कॉलेज वी आस्क अबाउट टाइम वी यूज वैन सो वैन इज ही टू कॉलेज वो कॉलेज कब जा रहा है वट डू वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट में क्या है वट विल यू प्लीज सर्व द लंच की लंच में क्या सर्व किया जाएगा होम डिड यू रिंग अप यस्टरडे इट मीन्स तुमने कल किसे कॉल किया था रिंग किया था मीन्स फोन किया था विच क्वेश्चन इन द इंटरव्यू अगेन वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन की इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे गए थे हुज ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर द गेस्ट कि जो गेस्ट आते हैं उनका ध्यान रखने की ड्यूटी किसकी है नेक्स्ट फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक सर्वनाम इट मींस इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वी विल इंडिकेट समथिंग हम किसी चीज को इंडिकेट करेंगे पर्टिकुलरली उसे संकेत करके बताएंगे प्रोनाउन्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स प्रोनाउंस जो कि यूज किए जाते हैं किसी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जिसके लिए वो रेफर किए गए हैं दैट वर्ड्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एज वी ऑल नो दैट दिस दैट दीज एंड दो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड वी इंडिकेट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोनाउन्स हेयर आर सम पॉइंट्स टू नोटिस वी यूज this and these to indicate objects that are nearby. This and these का use जो किया जाता है वो past की things के लिए किया जाता है जो near objects होते हैं While that and those are used for objects that are far away, जबकि that और those का use किया जाता है far away objects के लिए जो दूर हूं This and that both are used for singular object. सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है दिस का यूज सिंगुलर एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर बट फार अवे ऑब्जेक्ट जो फार होते हैं दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं दीज आर यूज फॉर प्लूरल एंड नियर ऑब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में होंगे बट नियर ऑब्जेक्ट होंगे दोज आर यूज फॉर फार ऑब्जेक्ट्स इन प्लूरल प्लूरल फॉर्म में होंगे एंड फार होंगे देन वी यूज दोज

demonstrative pronoun now let's see some examples of this this is my shirt we are indicating a particular shirt and do with the help of this so before noun we use this so this is demonstrative pronoun those are reena's slippers again we are using those and those means far objects reena's slippers this is now uh, this is noun and before noun we use those so this is demonstrative pronoun that store is lo logged Ye store have a logged hai. that is a demonstrative pronoun here now exercise related to this fill in the blanks with appropriate demonstrative pronouns blank is the car which my elder brother bought दिस इज द कार इट मीन्स वी आर इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर कार की ये वाली वो कार है जो मेरे भाई ने खरीदी है दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू हैव बिन लुकिंग फोर की यही वो अवसर है अपॉर्चुनिटी मीनिंग अवसर यही वो अवसर है जिसे के, जिसे तुम ढूंढ रहे थे दिस फोटोग्राफ वॉज टिकन विद डिजिटल कैमरा की ये जो फोटोग्राफ है ये डिजिटल कैमरा से लिया गया है डियर स्टूडेंट्स स वी कैन ऑल्सो यूज दैट बिकॉज दीज ऑल आर सिंगुलर फॉर्म एंड हेयर इज नॉट अ पर्टिकुलर शाइन दट द ऑब्जेक्ट आर नियर और फार यहां पर कोई भी पर्टिकुलर शाइन नहीं दिया गया है क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास में है या दूर है सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट वी केन यूज हेयर दिस एंड दैट बॉथ that is the famous minakshi temple of madurai here the temple is far away from the sentence so and if, from jaipur so we can say that that is the famous minakshi temple of madurai ki madurai ka famous minakshi temple temple hai these are woolen glow, gloves here this is plural so we use here these can you solve this riddle riddle ka meaning hai, paheli कैन यू सॉल्व दैट सम्स क्या तुम उन सम्स को सोल्व कर सकते हो दिस इज माई लाइसेंस यू आर शोइंग एंड वी कैन से वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो है नियर ऑब्जेक्ट है आपके हैंड में है लाइसेंस कि ये मेरा लाइसेंस है सो वी यूज हेयर दिस हाव यू लर्न दैट स्पीच बाय हर्ट क्या तुमने उस स्पीच को दिल से लर्न किया है This is the file you have been looking for. Ki wo file. These are the demonstrative and interrogative pronouns and some examples and book exercise. You have to fill this book exercise in your book and you have to watch the video carefully and try to understand. I hope you get it. Thank you and have a nice day.